नमस्कार। देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर रे एबे आजादी का अमृत महोत्सव केन्द्र सरकार पक्ष पालन करा सहित केन्द्र में मोदी सरकार 8 वर्ष पूरण कर तो केन्द्र सरकार समस्त मंत्री देशर विभिन्न अंचल गस्त कर 8 वर्ष रे मोदी सरकार जहाँ उपलब्धि जनसाधारण को अवगत कराऊ तो से क्रम ओडिशा गस्तरे अच्छा केन्द्र संख्यालघु व्यापार राष्ट्रमंत्री जयन बाला आम आज तक सहित कथा हवा। बालाजी आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्गस न्यूज में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बालाजी आपने हाल ही में उड़ीसा के जो आदिवासी इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर आपका टूर था जो आप लौटे हैं तो 8 साल पूरा हो गया मोदी सरकार का तो आपने क्या महसूस किया वो इलाकों में मोदी सरकार को लेकर वहाँ के जो लोग हैं जो जनजाति है उनके मन में क्या है? देखिए 8 साल का कार्यकाल में जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया है देश के हर कोने में, हम गांव-गांव तक पहुँचे, लोग तक पहुँचे और उनके समस्या को हमने सुना। सुनने के बाद में लगा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री योजना इतना सारा योजना को लॉन्च किया और उस हिसाब से ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए, आम जनता गरीब मजदूर तक जो पहुंचना चाहिए वो अब तक नहीं पहुंचा है। ये केंद्र सरकार तो योजना बना रही है हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन गरीब मजदूर के लिए जब हम केंद्र का साथ राज्य और केंद्र सरकार आपस में दोस्ती किया है तो वेल एंड गुड, लेकिन जिस प्रकार से ऊपर दोस्ती किया है तो ऊपर ऊपर दोस्ती करने से नहीं होगा, ग्रास रूट तक गरीब मजदूर तक वो दोस्ती करना चाहिए। निचले मैदान पर नहीं पहुंच रहा है केंद्र सरकार का योजना, उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? देखिए मैं रिव्यू मीटिंग में बैठने के बाद में पता चला तो ये अवेयरनेस की कमी की वजह से लोग बहुत सारा योजना को अभी डिजिटल इंडिया हो गया और इस डिजिटल इंडिया के तहत अभी ऑनलाइन में सब चीज हो रहा है तो बहुत सारा चीज हमारा आम जनता गरीब मजदूर यहाँ अशिक्षित है, जगह जगह फार्मर सब तो अशिक्षित है लेकिन उसको ये नहीं मालूम क्या या क्या क्या योजना है और किस तरह इस योजना को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस योजना को लेंगे, उनको किस तरह फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ये तो राज्य सरकार का चाहे वो जीपी लेवल में हो चाहे वीडियो लेवल में डीएम लेवल में हो इनको ये सारा ऑफिसर बैठा हुआ है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में बैठा हुआ है तो इनका दायित्व तो बनता है कि आप जाके लोगों को अवेयरनेस कीजिए क्या क्या स्कीम है। लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं कीजिएगा स्कीम के बारे में नहीं बताएंगे वो अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि अशिक्षित है ना जी। तो उसको जीपी लेवल में सारा फार्मर को बुलाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को, इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी भी किसान हमने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में एक रिपोर्ट लिया तो फिगर कितना है किसान का फिगर कितना है तो उन्होंने बोला 93,000। अब उसको लोन अपने कितना अप्लाई किया है तो बोलता है 800 अप्लाई किया है किसान बीमा फसल योजना में, 93 फार्मर है किसान है 93,000। हाँ 93,000 है तो आप 800 इसका मतलब आपने अवेयरनेस ग्रास रूट तक नहीं किया। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हमने बोल आपने कितना किया नहीं हमने 66,000। अब कितना अब तक इम्प्लीमेंट हुआ लोन तो उन्होंने बोला कि 20,000 तो 44,000 अभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। तो इसका मतलब आपका अवेयरनेस का कमी। आप ऑफिसर चेयर देखिए आपको चेयर पे बिठाया है लोगों का सेवा करने के लिए, जनता का हर योजना को डिपार्टमेंट वाइज आपको अवेयरनेस कैंप बिठाना चाहिए, इनको ये भी मालूम नहीं। आयुष्मान तो आपको क्या लगता है ये यहाँ का जो प्रदेश का सरकार है ये जानबूझकर लोगों के पास केंद्र सरकार का जो स्कीम वो नहीं पहुंचा रहा है, क्यों उसे डर सता रहा है कि हमको लगा ये डर सता रही है क्योंकि
जब प्रधानमंत्री आवास योजना जब बनाया गया, आपने अच्छा वेल एंड गुड, मैं आपका योजना बनाया हुआ कि भी जो पक्का घर वेल एंड गुड आप भी बनाइए, कोई बात नहीं है, आप अपने स्टेट के द्वारा सनाई स्कीम बनाया है, तो केंद्र सरकार का जो भी स्कीम है ये अगर दोनों प्लस हो जाता है तो आज के दिन में सारा आम जनता का, गरीब मजदूर का सारा छत बन जाता है, स्वच्छ भारत के साथ सबके लिए हो जाता है, ये भी नहीं हुआ है। इतना नहीं, सबसे बड़ी बात है तो श्रेय और क्रेडिट मोदी जी को चला जाएगा, इसके लिए ये लागू नहीं हो रहा है आपको लगता है? यही है, यही श्रेय मोदी जी का, क्रेडिट मोदी जी को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन देखिए, हमको राजनीतिक से उठ के काम करना चाहिए, राजनीतिक से उठ के काम करना चाहिए। अब जनता ने आशीर्वाद दिया, जनता ने जब मत देता है, बटन जब दबाता है, जो भी इलेक्शन हो तो बटन दबाता है, यही आशा और भरोसा के साथ दबाता है कि हमें सरकारी सुख सुविधा मिले, चाहे वो केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे पंचायत का, चाहे डीएम, जहां पर भी है हमारा योजना, उस योजना, इसीलिए जनता ने नेता चुनता है, नेता चुन के भेजता है और वो हमारे लिए। लेकिन आज मैं यहाँ आने के बाद में रिमोट एरिया में गया, लोग से मिले और अभी बोल रहे हैं पानी का व्यवस्था नहीं है, राशन का बहुत सारा लोग का व्यवस्था नहीं है। अब राशन के बारे में मैंने पूछा कि ये राशन वन नेशन वन राशन कार्ड का, इसका नहीं, कितना अप्लाई किया, इतना राशन होल्डर है, कितना अप्लाई किया, अभी इतना अप्लाई। अरे भाई, आज आप इसका मतलब जब 100 में 10% ने अप्लाई किया है, मतलब 90% ने अप्लाई राशन कार्ड, अभी वन नेशन वन राशन कार्ड ये अभी तक नहीं बनाया, इसका मतलब आप अवेयरनेस नहीं किए। अब जाइए, कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ता है आप लोगों को बताइए, वो फॉर्म फिलअप करने से वो, देखिए यहाँ राज्य में रोजगार नहीं है जी, अगर रोजगार नहीं है तो लोग दूसरा राज्य में पलायन हो जा रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं है, 22 साल से आप सरकार कर रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ रोजगार के लिए दूसरा राज्य में प्लान हो रहा है, आप राशन कार्ड अगर व्यवस्था नहीं कीजिएगा, दूसरा राज्य में काम करते करते कोई बीमार पड़ जाता है तो उनके पास हाथ में पैसा नहीं रहता है। आपका एक वीडियो इंटरव्यू सामने आया था जिसमें आप हाथ जोड़कर स्टेट गवर्नमेंट को निवेदन कर रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना को क्यों नहीं लागू किया जा रहा। देखिए, आयुष्मान भारत, मैं अभी भी राज्य सरकार से विनती करना चाहता हूँ, आपने भी BSKY ऐसे कुछ सिस्टम आपने बनाया, वेल एंड गुड, आप हम उसके लिए भी स्वागत जनाते हैं, लेकिन उस योजना से केवल अगर कोई मेजर क्रिटिकल केस हो गया, मैं सपोज किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो गया, कैंसर हो गया, ऐसे बड़ा बड़ा डिजीज है जो हम इस कुछ हॉस्पिटल नर्सिंग होम में नहीं इलाज होता है तो हमें दूसरा राज्य में जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, बेंगलोर जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है। तो ये कार्ड जो आपने बनाया BSKY, ये आपने जो बनाई, ये कार्ड बाहर इनवैलिड है, ये बाउंस चेक है बाहर स्टेट के लिए, और यहाँ के लिए भी बहुत सारा हॉस्पिटल में को इन पैनल गया है गवर्नमेंट के थ्रू से, लेकिन अभी गवर्नमेंट जब इस शायद इस कार्ड से बहुत लोगों ने इलाज किया, लेकिन अभी तक इलाज का जो खर्च हुआ है वो अभी हॉस्पिटल को नहीं मिला, हॉस्पिटल को नहीं मिला। अब उसके बाद कभी कोई पेशेंट अगर जा रहा है दोबारा उस हॉस्पिटल में जा रहा है तो उनको वापस कर दिया जा रहा है। बताइए, आप किए हैं ठीक है, लेकिन ये आपने अभी बहुत सारा बकाया है बहुत सारा नर्सिंग होम में, मैं आपको क्या लगता है, मैं विनती करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार का स्कीम जो 5 लाख अगर मिल जाएगा, ये आयु देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम बनाया है गरीब मजदूर के लिए, जिसका पास पैसा है वो तो इलाज कर लेगा, जिसके पास जमीन है जमीन बिक्री करके इलाज कर लेगा, जिसका पास पैसा नहीं है कम से कम इस योजना से हमारा जिंदगी, देखिए मोदी जी ने बहुत सोच समझ के बनाया, हमारा आयु को बहुत लंबा कर देगा अगर इस योजना से हम बचेंगे तो हमारा आयु लंबा हो जाएगा, इस मेडिकल इंश्योरेंस से हम आयुष्मान भारत से हमारा कार्ड बनेगा तो हम इससे हम देश के हर कोने में इलाज कर सकते हैं। तो ये सारा सारा न्याय हमारा, देखिए इस हमारा बच्चा अगर बीमार है,
हम इलाज नहीं कर पाया, हमारा पास पैसा नहीं है, तो हमारा बच्चा देखे दुनिया देखने से पहले चला जाएंगे। बाला जी ये पहली बार नहीं कि आप बोले, इससे पहले खुद प्रधानमंत्री जी भी ये अपील कर चुके हैं स्टेट गवर्नमेंट को, और बाकी सारे तमाम केंद्र सरकार के मंत्री जो अभी आते हैं यही सेम चीज बोल के जाते हैं, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं आयुष्मान भारत स्कीम को, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आज तक लागू नहीं किया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या है? देखिए, ये कहीं ना कहीं ये क्रेडिट केंद्र को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, ये सोच के आम जनता को पता चल जाएगा कि ये तो सारा योजना अभी भी पता चल रहा है। सरकार का धर्म क्या है, लोगों की भलाई करना या क्रेडिट के हिसाब से काम नहीं करना? नहीं, धर्म करना, धर्म कर्म ही धर्म है जी। हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको वो फल नहीं मिलेगा जी। 22 साल से आप है, अच्छा बात है, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम भी स्वागत जनाते हैं, लेकिन केंद्र के साथ आपने दोस्ती भी किया है, केंद्र सरकार मिल के आप चला रहे हैं, अब आम जनता के साथ आपने दोस्ती क्यों नहीं किया? दोस्ती किया होता तो ये सारा योजना केंद्र के साथ कैसा दोस्ती है? अगर केंद्र के स्कीम यहां लागू नहीं हो पा रहा है तो कैसा दोस्ती? नहीं, वही तो बोल रहा हूं कि आप सेंट्रल में दोस्ती किया है, ग्रास रूट में क्यों दोस्ती नहीं किया? केवल ऊपर ऊपर से दोस्ती करने से नहीं है, दिल से कीजिए ना। और हमको तब लगेगा दिल से जब ये इस योजना को आप घर तक पहुंचाएंगे, आम जनता तक, गरीब मजदूर तक पहुंचाएंगे। मैं बार बार विनती करना चाहता हूं राज्य सरकार से, अब भी आपका पास है, अभी कम से कम इस योजना को, आयुष्मान भारत किसान बीमा योजना, अभी तक भी बोला ना अवेयरनेस नहीं है, जिसके कारण से ये परसेंटेज अभी कम है, अशिक्षित है। तो आपका ये मानना है कि जानबूझकर यहां लागू नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर लोगों के पास फायदा जाएगा तो लोगों जानेंगे कि ये मोदी सरकार ने दिया है, तो मोदी सरकार या भाजपा को क्रेडिट चला जाएगा, तो इसके नाते स्टेट गवर्नमेंट जानबूझकर ये सब स्कीम्स लागू नहीं कर रहा है और इसके ऊपर जोर नहीं दे रहा है। और एक है जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, मैं माइनॉरिटी का मिनिस्टर, मैंने माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथ भी बैठा, यही का ऑफिसर के साथ मैंने पूछा कि आपको क्या क्या मिलता है, तो बोला कि माइनॉरिटी से स्कॉलरशिप, बाकी उनको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, क्यों आप लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं? हम लोग माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल बना सकता है, गरीब मजदूर का हम लोग नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन पढ़ा सकता है, हम लोग स्टेडियम बना सकता है, यहाँ उस प्रकार से इतना अच्छा खिलाड़ी सब है लेकिन उनको स्कोप नहीं मिल रहा है, हम स्टेडियम बना सकता है, हॉस्पिटल बनाता है, हेल्थ सेंटर बना सकता है, और हम गर्ल्स एंड बॉयज एंड वोमेन हॉस्टल हम लोग बना सकता है, कोचिंग सेंटर बना सकता है। हमने पूछे कि आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से क्या क्या अब तक लिया स्कॉलरशिप, आपको मालूम है रेसिडेंट स्कूल मिलता है, कम्युनिटी हॉल मिलता है, नहीं पता भी नहीं है उन्हें, 15 पॉइंट्स प्रोग्राम क्या है, है ना, नहीं मालूम। अगर आप चेयर में बैठा है और आपको मालूम नहीं है तो लोग इसका, मैंने माइनॉरिटी फादर बिशप पास्टर सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बैठा, उनका भी बहुत सारा इतने सालों से समस्या है, वो अभी तक इसका बेनिफिट अभी तक कम्युनिटी हॉल बना सकते हैं हम लोग, रेसिडेंट स्कूल फ्री ऑफ एजुकेशन हम दे सकते हैं नर्सरी टू हायर, हमने मणिपुर में 12 रेसिडेंट स्कूल बनाया। तो आज राज्य सरकार, और हमको लगता है जिस में हमारा डबल इंजन सरकार, उसमें देखिए हर मिनिस्ट्री से कहीं ना कहीं कुछ ना डेवलपमेंट है। टूरिज्म के लिए इतना सुंदर, मैंने सच में दूसरा स्टेट गया, इतना सुंदर व्यू हमने दूसरा स्टेट में नहीं देखा, जिसे पहाड़ पर्वत जंगल झार इतना हरा भरा प्राकृतिक, इसको हम प्रकृति, ये अगर हम इसमें अगर हम ध्यान देंगे, केंद्र से के साथ अगर मिले हैं तो मिल के अगर काम करेंगे, और इस योजना बहुत सारा है डेवलपमेंट, हमें टूरिज्म, इको टूरिज्म के लिए हम लोग, आप जिसे बता रहे हैं माइनॉरिटी के लिए यहाँ जो योजनाएं है वो लागू नहीं किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट ये तो बता रहे हैं हम माइनॉरिटी के साथ है, माइनॉरिटी कम्युनिटी हमारे साथ है, हम उनके लिए भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आपका माइनॉरिटी आपके साथ है,
तो क्यों आज तक रेसिडेंट स्कूल माइनॉरिटी रेसिडेंट स्कूल नहीं बना, कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं बना, कोचिंग सेंटर अभी तक क्यों नहीं है, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेडियम भी बना सकते हैं हम लोग। सामने मेरा सिक्किम छोटा सा स्टेट है, वो कल परसों 175 करोड़ लेके वो अपना हॉस्पिटल बना रहा है, कहीं स्कूल बना रहा है ना, कहीं कम्युनिटी हॉल बना रहा है, लोगों के लिए दे रहे हैं। अब आइए ना, उड़ीसा में नहीं, उड़ीसा में नहीं है जी। ये बहुत गंभीर बात है। अब हम थोड़ा 2024 के बात करेंगे, 2 साल से भी कम का वक्त रह गया, आम चुनाव होना है। तो आप यहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में आप गए थे, टूर था आपका, तो आपने क्या महसूस किया यहाँ पर मोदी जी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर, बीजेपी को लेकर कैसा माहौल है 2024 के लिए उड़ीसा में, कैसा माहौल आप देखते हैं? देखिए, जिस प्रकार से इस लॉकडाउन के समय में गरीब मजदूर के पास है ना, आम जनता के पास मोदी जी खड़े उतरे, जो दुख के समय खड़ा होता उसे वही उसी को भगवान मानते हैं। और मोदी जी हमारे ये कोरोना के कारण से कितने महीना तक, कितने सालों तक है ना, सालों तक ये लॉकडाउन रहा जी, जिसके कारण से रोजगार का व्यवस्था नहीं रहा, तो गरीब मजदूर तक वो राशन का व्यवस्था किया, वैक्सीन का व्यवस्था किया। लोगों को अभी पता चल रहा है कि कौन काम कर रहा है और कौन दुख के समय, कष्ट के समय खड़ा होता है। और इतना सारा योजना बनाया है तो गरीब मजदूर के लिए सोच समझ कर बनाया है, तो आज लोग समझ रहे हैं कि कौन काम कर रहा है, देश के लिए कौन काम कर रहा है। और इस राज्य में यही है, थोड़ा हम सबका अवेयरनेस की कमी है। हम लोग इसीलिए देखे, मोदी जी का मंत्रिमंडल कोई घर पे नहीं बैठा है, और इनका मंत्री, इनका ऑफिसर ग्रास रूट तक पहुंचना चाहिए, उस प्रकार से नहीं पहुंच रहा। हम लोग आज 6 दिन से हम लोग भरमार उड़ीसा के लोग ये अनुभव कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, इसीलिए तो लोग मिल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं कि नहीं हमको ये नहीं मिला, पानी का व्यवस्था नहीं है, राशन का व्यवस्था नहीं है, हेल्थ का फैसिलिटीज नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटी नहीं है, स्कूल है तो टीचर्स नहीं है, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, बहुत सारा डॉक्टर का समस्या भी हमको रखा गया, टीचर का समस्या भी, एक एक क्लास में जहाँ 1:25 है वहाँ आप 150-200 लोग स्टूडेंट को एक ही क्लास में पढ़ा रहे हैं जी। बालाजी, और एक बात है, या आपने जिसे बताया, मोदी जी का हमेशा ये प्रायोरिटी रहा है कि जो ईस्ट इंडिया को वो फोकस में लेते हैं, पूर्व भारत को। तो पूर्व भारत में अगर देखेंगे तो जहाँ से आप हैं, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य, ये 4 प्रदेश आते हैं, लेकिन ये चारों प्रदेश में भाजपा अपोजिशन में है, मेन अपोजिशन पार्टी, कहीं पर भी सत्ता पर नहीं है। ये चारों प्रदेश से मोदी जी के लिए तो वोट जाता है, लेकिन वो प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भाजपा के लिए वोट नहीं आ पा रहा है। देखिए, उड़ीसा में भी यही हाल है, ये इतना करप्शन भरा हुआ है ना, मैंने देखा मजदूर से काम कराने जगह वो मशीन से काम करा रहा है, तो लोग अब मजबूर का इनको रोजगार नहीं मिल रहा है तो दूसरा राज्य प्लान हो रहा है। तो यहाँ ऐसा बात नहीं है, जनता अभी समझ चुकी है, अब नेक्स्ट, अब देखिए आगे बढ़ते चलिए। 24 को यहाँ एक साथ महाराष्ट्र का तो आपने देखा कि मोदी जी का काम देख के ही तो लोग मन बदल रहे हैं, अब यहाँ का भी जनता, और यहाँ कुछ जैसे पश्चिम बंगाल हुआ, चाहे उड़ीसा हुआ, यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके प्रेशर से ही जनता को दबा के ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आम जनता के लिए काम नहीं हो रहा है। अगर पुलिस प्रशासन से लगा के, आपका ऑफिसर्स को लगा के अगर जनता का काम किया होता, देखिए इसका जवाब आने वाला दिन मिलने वाला है, जनता इसका जवाब देने वाला है, समय आ गया है। 2024 को यहाँ एक साथ लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव होना है, देखिए जनता उसका जवाब इस बार, पिछले बार हम देखे कि यहाँ पर लोकसभा के लिए तो ज़्यादा प्रतिशत का वोट मिला, 38% का तक वोट मिला, लेकिन जब एक साथ हुआ था चुनाव, विधानसभा का बात आया तो वो 38 से 32 तक घट गया,
और 8 पार्लियामेंट सीट यहाँ से बीजेपी को मिला, उसी हिसाब से असेंबली में सीट नहीं मिला। देखिए इस बार 2019 के बाद में जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, घर घर तक राशन का व्यवस्था किया, वैक्सीन का व्यवस्था किया और जितना नई नई स्कीम हर महीना कुछ ना कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं और वो गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हम लोग जो लगे हुए हैं। आज हम यहाँ आने का मतलब है हमारा कि हर योजना को लोगों तक अवेयरनेस करना। मुझे ऐसा भी जगह आया कि रोना भी आ रहा था हमको कि आज तक भी मजदूर गमछा और अपना शरीर में केवल गमछा है। आज क्यों? देश आज़ाद हुआ 75 साल हुआ, 75 साल का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और ऐसा ऐसा जगह है 75 साल देश आजाद हुआ के लिए आम जनता गरीब मजदूर ऐसा ऐसा रिमोट एरिया में है, हम उड़ीसा में देखे अभी भी आजादी का महल, उनको आजादी नहीं मिला। क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, सेवा चाहिए, पानी चाहिए, ये अभी भी इस चीज से हमारा यहाँ का आम जनता वंचित है। 22 साल से आप है सरकार में तो आज क्यों इस चीज से लोग वंचित है, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे पास, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? इसका मतलब उन्नति नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं पहुंचा, विकास नहीं पहुंचा। आखिर में एक बात जानना चाहेंगे आपसे, आप जो जहां जहां भी गए थे उड़ीसा में वो सब आदिवासी इलाका है। जी तो और यहाँ माइनॉरिटी इलाका है। यहाँ की एक आदिवासी बेटी को आपकी पार्टी ने देश के सबसे बड़े पद पर बैठाने का जो फैसला लिया है और उनका राष्ट्रपति बनना भी तय है एक प्रकार से, तो एक आदिवासी महिला को आज तक नहीं हुआ था, 75 साल में आज तक नहीं हुआ था, पहली बार ये होना जा रहा है और मोदी सरकार के कारण ये होने जा रहा है, तो इस भावना यहाँ के आदिवासी के मन में है, आदिवासियों के मन में है, उन्हें समझ आता है कि मोदी ने आदिवासियों के लिए इतना बड़ा काम किया। मैं एक आदिवासी हूँ और मुझे आदिवासी होने के नाते मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नड्डा जी के नेतृत्व में इतना बड़ा, विरोधी बहुत बोलते थे कि ये आदिवासी को अवहेलना किया जाता है, विरोधी का यही कहना था कि आदिवासी का अवहेलना, लेकिन आज देख रहे 140 करोड़ के बीच में हम लोग, हमारा प्रधानमंत्री जी नड्डा जी ने इतना मान सम्मान हम आदिवासी समाज को दिया, तो ये एकदम गर्व महसूस कर रहा हूँ हमारे मोदी जी का जिस प्रकार से बोल्ड डिसीजन और इतना बड़ा सम्मान हम आदिवासी समाज को दिया, हम इसको कभी जीवन में कहीं आज से विरोधी पिछले सरकार जो भी आया लेकिन इस प्रकार से सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया था, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं दिया था। आज ये बीजेपी सरकार है और मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश का काम हो रहा है और आगे हम लोग उनके राष्ट्रपति हमारे आदिवासी महिला है और पहली बार आदिवासी महिला आदिवासी समाज से उठाकर इस जगह तक पहुंचा है और मैं आदिवासी होने के नाते मैं प्रधानमंत्री और नड्डा जी को और पूरा टीम को मैं अपने ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सच में मोदी जी हमें बहुत बड़ा सम्मान मिला, गर्व भी महसूस हो रहा है कि अगर हमारा उन्नति आदिवासी ट्राइबल का उन्नति, कृषक का उन्नति, अगर देश का उन्नति कोई कर सकता है तो मोदी है तो मुमकिन है। मोदी छोड़ के हमको नहीं लगता है कि कोई राज्य सरकार अपना ये फैमिली पार्टी कोई भी हमारा आम जनता का उन्नति नहीं करेगा। ये जितना भी अभी पार्टी बनाया हुआ है सारा अपना फैमिली पार्टी है, बीजेपी एक पूरा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सबका प्रयास के इस पार्टी चल रहा है और चला रहे हैं देश का उन्नति के लिए रहे हैं। और जितना भी है आज बीजू पटनायक वो पूरा फैमिली पार्टी है, आप बंगाल में जाइए बैनर्जी पार्टी है, यूपी भी जाइए यादव पार्टी है, ये सब अपना अपना पार्टी संभाल के अपना रोजी रोटी अपना नेता का डेवलपमेंट हो जाए, अपना कैडर का
डेवलपमेंट है आम जनता का, और मोदी जी आम जनता के लिए सोच रहे हैं, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और आज पूरा राज्य, बहुत सारा राज्य तो आज हमारे पास है जी, जी। देखिए क्या था एक समय में, आज का दिन में क्या है जी, जी, देखिए आपने आपने आप जो गए मिले आदिवासियों से, उनके मन में ये भाव है, ये एक जरूर जरूर सम्मान कर रहे हैं आज, सम्मान ये फैसला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर जो फैसला लिया, वो उन्हें लगता है कि आदिवासियों को सम्मान मिला। ये जो विरोधी जिस प्रकार से लोगों को भड़का रहे थे, हमारे कृष्ण सपाच के भड़का रहे थे कि नहीं आदिवासी को बीजेपी सरकार अवहेलना करता है, लेकिन आज पता चला, विरोधी को आज पता चला जी। अभी गठबंधन तो बनाया, लेकिन अभी वो गठबंधन गुटबाजी हो गया जी। इससे पता चलता है जी। कि इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लेके विरोधी को मुंह तो जवाब दिया हमारे जी, जी। और फाइनली 2026 में आपको क्या लगता है, उड़ीसा बंगाल जिसे पूर्व भारत के जितने राज्य है वहां पर कमल खिलेगा? देखिए जरूर पूरा देश के हर कोने में खिल रहा है, यहाँ पर भी खिलेगा। आज मुझे विश्वास है यहाँ का जनता आने वाला दिन, और मैं आऊंगा इस राज्य में, हमारा आदिवासी समाज बहुत है, और मैं एक आदिवासी अपने क्षेत्र से आदिवासी आंदोलन करके ही जगह तक पहुंचा है जी। और माइनॉरिटी के लिए मैं काम करूंगा, और पूरा देश के हर जनता के लिए हर योजना को घर घर तक पहुंचाने, यही उद्देश्य से हम लोग डोर डोर टू जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, विलेज विलेज जा रहे हैं, और हम चुपचाप नहीं बैठने वाले। हम लोग इसका मजदूर का जो हक नहीं मिला वो हक दिलाने के लिए हम लोग गांव गांव शहर शहर हर राज्य में हम लोग जाके हम लोगों को अवेयरनेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बाला जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो अवसित थे जन बाला केन्द्र संख्यालघु व्यापार मंत्री एवं ओडिशा गस्त को नहीं अनुभव आम सहित सी बांटू थे। तो सब हो स्वतंत्र साक्षात्कार बैठक। नमस्कार।